बड़े चौकी है, ये मैंने लिए 3 ओनियन बड़े वाले। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर, ये टमाटर मैंने 2 लिए हैं, बड़े टमाटर है तो मैंने 2 लिए हैं। तो भी अच्छे से आप मिक्स करेंगे इसमें। और ये लिया है मैंने काजू, मगज तरी के भी और थोड़ा खसखस लिया है जो हम इसमें ऐड करेंगे। स्पिंच हम इसमें नमक डालेंगे, तभी हम इसे। अभी ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे। अब हम इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हमारा हो चुका है पीस के ऐसा हमें चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने हांडी ली है, आप चाहो तो आप कढ़ाई भी ले सकते हो, अगर मेरे पास था तो मैं हांडी लिए। ऑयल डालेंगे, यहाँ मैंने 3 टीस्पून ऑयल लिया है। और इसके साथ मैं डालूंगी घी जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। अभी ये हमारा हो चुका है गरम, अब मैंने इसमें लिया है शाही जीरा, तेज पत्ता और खड़े मसाले लविंग मरी डालेंगे और अदरक मिर्ची की पेस्ट लूंगी मैं। आपको जैसा तीखा चाहिए वैसा आप ले सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने 1 चम्मच लिया है। स्पिंच हम हींग डालेंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे ऑनियन जो मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे 2 ऑनियन लिए है। और ये काश्मीरी लाल मिर्ची है जो मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ, कलर आएगा अच्छे से। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी में हम डालेंगे अभी किचन किंग मसाला जो मैंने 1 चम्मच लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने कांदा और टमाटर की प्यूरी बनाई थी, वो हम ऐड करेंगे इसमें। ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अभी ये हमारा हो चुका है ग्रेवी अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे पनीर जो यहाँ पे मैंने लिया है फ्राई किया हुआ पनीर, तो 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है, हम डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई हो जाएगा तो खाने में भी नहीं अच्छा लगेगा।
अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, जो इसे हम अच्छे से क्रश करके इसमें डालेंगे हाथों से, ऐसे हाथों की मदद से ऐसे ऐसे करके इसको हम दम करेंगे। पांच में गैस पे थोड़ा सा रखूंगी, फिर इस पे मैं रोटी का तवा रखूंगी, जो ये गर्म होएगा हम इसमें डालेंगे। मैं इसमें थोड़ा नमक डालूंगी क्योंकि हमें दम करना है ना। ये मेरा नमक है ना, मैं जो केक बनाती हूँ ना तो बेक करती हूँ ना, तो वही नमक है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ केक में, तो इसका कलर इसलिए ऐसा हो चुका है। इसको हम अच्छे से फैला देंगे। ये हमारा हांडी, यहाँ पे एक कोयला लिया है जो हम गैस चालू करेंगे। जैसे हमारा कोयला गर्म होगा हम उसमें डालेंगे घी, या आप चाहो तो अमूल बटर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें एक वाटी रखेंगे और इसमें हम डालेंगे गरम किया हुआ कोयला और इसके ऊपर डालेंगे हम घी, हल्का सा थोड़ा सा घी डालेंगे। और इसको रख देंगे हम फॉइल पेपर से, हम लोग इसको कवर करेंगे। आपके पास ये नहीं रहेगा तो आप प्लेट भी रख सकते हो। आप क्या करोगे, ये आटा रोटी का गूंथते हैं ना, उसको पहले ऐसे यहाँ पे लगा देना रोल बना के, ऐसे से रोल करके यहाँ पे, फिर वो प्लेट रहता है वो ढक देना पूरा, ऐसे से कवर कर देना प्लेट रख के, फिर आटा ऐसे से करके, तो आप वो भी कर सकते हो। मेरे पास ये फॉइल पेपर था तो मैंने इससे कर रही हूँ दम। तो अभी ये हम लोग आधे घंटे के लिए इसको दम करने के लिए रखेंगे। चले लेंगे हांडी को, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो हम दम करते हैं ना कोयला डाल के, उसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए गाइस, अभी भी दम किया है ना तो देखो उसको धुआं अभी भी निकल रहा है, बहुत अच्छा लगता है दम वाला। ये मैंने लच्छा पराठा बनाया, देखिए गाइस कितना अच्छा सा हुआ है, देखो लच्छा निकला है। देखो ये मैं आपके लिए बहुत जल्द रेसिपी लाऊंगी, ये बहुत अच्छा लगता है ये भाजी के साथ। इसके साथ सर्व करेंगे।